सनी को लेकर क्यों आया सबा को गुस्सा, सबा ने दिया हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब। ब्लॉग के जरिए सनी को दिया ये मैसेज। बिल क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबा इब्राहिम के डेली व्लॉग्स को देखना फैंस काफी पसंद करते हैं। सबा अपने व्लॉग के जरिए अपनी डेली लाइफ से फैंस को रूबरू करवाती हैं। अब सबा के व्लॉग में शादी की तैयारियां दिखाई जा रही है, जिसे लेकर पूरा इब्राहिम फैमिली बेहद एक्साइटेड है। जी हाँ, जल्द सबा की खालिद नियाज के साथ शादी होने वाली है, जिसे लेकर इब्राहिम फैमिली में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अब सबा शादी की शॉपिंग के लिए भोपाल भी आई थी, जहां उन्होंने शॉपिंग करते देखा गया था। वहीं सबा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो हेटर्स पर जमकर बरसती नजर आईं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से सबा को सनी की सच्चाई दुनिया के सामने बतानी पड़ी? तो आपको बता दें कि सनी को लेकर सबा को कई लोग कमेंट्स कर रहे थे और सनी को लेकर उल्टा सीधा बोल रहे थे, जैसे सनी पैसे के लालच में शादी कर रहा है, जैसे कमेंट्स आ रहे थे। वहीं कई लोग सबा को सनी से शादी करने से भी मना कर रहे थे। अब सबा ने उन हेटर्स को अपने व्लॉग के जरिए करारा जवाब दिया है। सबा ने खुद को लकी बताया जो उन्हें सनी जैसा लड़का मिला, जिसमें बिल्कुल भी ईगो नहीं है, और ये सबा अपने पिछले व्लॉग में भी कई बार बोल चुकी हैं। वहीं सबा सनी के बारे में बताती हुई कहती हैं कि वो मेरे पैसे को देखकर नहीं आया, उसके पास खुद अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, यहाँ तक कि जॉब भी मेरी वजह से छोड़ा क्योंकि मुझे ही इंडिया में रहना था। सबा कहती हैं कि सनी आज तक सिर्फ सुनते आया है मेरे घर वालों से, अपने घर वालों से, और अब आप सबकी गंदे कमेंट्स भी। सब बोलते हुए सबा काफ़ी इमोशनल होती हैं। वहीं ब्लॉग के जरिए सबा सनी को मैसेज देती हैं और कहती हैं कि सनी, अगर तुम ये ब्लॉग देख रहे हो तो बता दूँ कि सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। यहाँ जब से मैं आई हूँ सब यही कह रहे हैं कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। बल सबा ने तो पूरा गुस्सा हेटर्स के ऊपर व्लॉग में निकाल दिया। वैसे बात भी सही है कि जब दोनों खुश हैं तो फिर उनके बारे में बिना जाने कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।